आयोजित प्रतिवर्ष की तरह होने वाली इस 27वीं चित्रकला प्रतियोगिता की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चेयरमैन साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में, हालांकि हमारे एसपी साहब को कई कार्यक्रमों में जाना और अचानक ही प्रोग्राम बना हमारे थाना प्रभारी जी का, उन्होंने हमें बताया और आज हमारे बीच में है आदरणीय एएसपी श्री अली अब्बास जी और हमारे बालकृष्ण शर्मा जी, थाना प्रभारी बीएस वर्मा जी और एसआई जहांगीर आलम जी। मैं सभी का कॉलेज की तरफ से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय हम सबसे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए केवल इतना ही कहूँगा कि बच्चे को जिस भी तरीके से ढाला जाए वो उसी तरीके से उसी सांचे में ढल जाएगा। समय से हम लोगों के लिए समय निकाला, मैं आग्रह करूँगा आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय श्री अली अब्बास जी, माननीय एएसपी महोदय नंदपुर सहारनपुर आ पाए और अपने अमूल्य विचार से इन बच्चों को लाभान्वित कराएंगे। माननीय श्री अली अब्बास जी, जोरदार तालियों के लिए अभिनंदन। विद्यालय में आने के लिए दूसरी बार मेरे लिए ये गौरव की बात है कि मैं दूसरी बार इस विद्यालय में आ पाया, और हालांकि ये मेरा अनप्लान्ड विजिट है, पर फिर भी जब मुझे पता लगा कि इस विद्यालय में कुछ बच्चों ने कुछ चित्रकारी कॉम्पिटिशन हुआ है और यहाँ पर उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें बनाई हैं और उनका अवार्ड सेरेमनी में मुझे जाना है, तो मैं अपने आप को रोक ना सका। इसका शायद मुख्य कारण ये है कि मेरा एक जो बालक वर्ग है, जो एक चाहे आपका जो एज ग्रुप है, वो एज ग्रुप मुझे लगता है कि एक ऐसा एज ग्रुप है जहाँ से अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाए तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं पहले भी आप लोगों से इस विषय में बात कर चुका हूँ, जब एक प्रोग्राम था आपके यहाँ का ही, तो महिला सशक्तिकरण के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और आज भी मैं इस अपॉर्चुनिटी को आगे लेते हुए फिर वही बात कहूँगा कि आप आगे तभी जाएंगे जब अपना आप एक डायरेक्शन फिक्स कर लेंगे, और डायरेक्शन फिक्स करने के बाद आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप खुल के अभिव्यक्त कर पाएंगे और उन चीज़ों को आप दूसरों से शेयर कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि हर एक इस प्लेटफॉर्म को, इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को एक आप समझ सकते हैं कि एक हिदायत देना चाहता हूं कि बेसिकली कोई भी समस्या हो, समस्या से डरे नहीं, और उस समस्या का जमकर सामना करें, उसको अभिव्यक्त करें, अपने घर वालों, अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियंस उन चीज़ों को उसके बारे में अवगत कराएं, और 100% कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि उस समस्या का निदान ना हो सके। तो आप लोग सशक्त हों और मैं आप लोगों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। कप्तान बढ़ेंगे इसी तरह, तो मुड़ोगे यहीं से चलोगे स्टार्टिंग। धन्यवाद। दूसरे स्थान पर आई है अन्नू सैनी, डॉटर ऑफ दिनेश, नवजनोद इंटर कॉलेज, न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट लाइबा अंसारी। इसके अलावा कंसोलेशन प्राइज है, और इन कंसोलेशन प्राइज में नाम अनाउंस कर रहे हैं नंदिनी भीमान, डॉटर ऑफ विजय। नेक्स्ट शीतल वैद, कक्षा 11, नवजनोद इंटर कॉलेज, शीतल वैद, नवजनोद इंटर कॉलेज। आर्या सैनी, 9A, नवजनोद इंटर कॉलेज। अभी सैनी, न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, क्लास 9। और अमीशा, 9A, नवजनोद इंटर कॉलेज। इसके बाद बढ़ते हैं जूनियर वर्ग में, लेकिन सबसे पहले पोजीशन जूनियर वर्ग में वर्षा, डॉटर ऑफ भागमल, क्लास 7 की स्टूडेंट, डॉक्टर राजप्रसाद मार्ग जूनियर हाई स्कूल। तीसरे स्थान पर अंशिका नोटियाल, डॉटर ऑफ पुनीत, क्लास 7, न्यू कैपिटल पब्लिक स्कूल। चौथे स्थान पर श्रुति त्यागी, क्लास 8, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक जूनियर हाई स्कूल। क्रम से चलें, पहले थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ। इसके बाद कंसोलेशन प्राइज
आरती डॉटर ऑफ राजेश क्लास सेवेंथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक जूनियर हाई स्कूल, जिनके नाम बोले जा रहे हैं तुरंत आ जाएंगे। कॉन्सोलेशन सभी एक समान है। पलक पाटला डॉटर ऑफ गौरव क्लास सेवेंथ न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल। मंतशा डॉटर ऑफ अनीस क्लास सिक्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक जूनियर हाई स्कूल। अनुष्का सैनी क्लास सिक्स न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल। और अस्मा कुरैशी डॉटर ऑफ महमूद क्लास एट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक जूनियर हाई स्कूल। चलते रहे, जिसका नाम बोला जाए सब आ जाए। मिताली डॉटर ऑफ रूप कुमार क्लास एट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक जूनियर हाई स्कूल। वंशिका डॉटर ऑफ सुभाष क्लास सिक्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक जूनियर हाई स्कूल। आरती डॉटर ऑफ सोनी क्लास सिक्स न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल। एक बार तालियां जोरदार इन सभी कॉन्सोलेशन स्टूडेंट्स के लिए। और क्या सोच रहे हैं वो पुराने वाली हूं मैं नहीं, आज सुना रही